तो कुछ ऐसा मतलब आपको देखने को मिलेगा। अब आप इस सीढ़ियों के द्वारा जो है जा सकते हैं उधर से होते हुए प्लेटफॉर्म नंबर एक के साइड। काफी दूर दूर तक यहाँ से दिख नजर आ रहा है। ये देखिए ऊपर चढ़ने वाला स्टार्ट है और डिजाइन ही देखिए आप वॉल पे कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन बनाई गई है। यहाँ पे ये सामने देखिए रेलवे स्टेशन परिसर में ये वाली मस्जिद। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब, स्वागत है फिर से मैं इस नए वीडियो में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं अयोध्या कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन अलग है, वहाँ से राम मंदिर पास पड़ता है। और जो हम आज आपको दिखाएंगे इसके बारे में, कई जो हमारे व्यूवर्स हैं सब्सक्राइबर हैं कह रहे थे कि इसके बारे में भी अपडेट दिखाइए, तो इसी क्रम में हम आ पहुँचे हैं अयोध्या कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। आपको दिखाते हैं अगल बगल चीज़ें, अभी मैं मौके पर किस जगह पर खड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों हम जो है चलेंगे ये पीछे वाले रास्ते से, हालांकि अब बन चुका है काफ़ी अच्छा, इसके पहले हमने आपको अपडेट दिया हुआ था। ये है दोस्तों मुदहा टू रामनगर वाला मार्ग, मतलब इधर मुदहा रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है। अगर आप बाई रोड जाएंगे तो इधर से होते हुए घूमते हुए तब आप रेलवे स्टेशन के साइड जा सकते हैं। और सामने आप चौड़ीकरण भी देख सकते हैं, ये है 14 कोसी फीका मार्ग। तो हम जो है इधर से आए हुए हैं, इधर रामनगर पड़ता है, नाका हनुमानगढ़ ये सारी चीज़ें इस साइड, और इधर से होते हुए ये इधर के साइड मुदहा रेलवे क्रॉसिंग, मतलब फ्लाईओवर का भी काम स्टार्ट हो गया है। मुदहा रेलवे क्रॉसिंग इतना ज़्यादा बिजी रहता है, इतना ज़्यादा बंद रहता है, पूछे इसी वजह से फ्लाईओवर का निर्माण कार्य आगे शुरू हो गया है। इसके बारे में भी हम आपको अपडेट कल की डेट में देंगे, आज आपको दिखाते हैं। हम चल रहे हैं इधर पीछे वाले मार्ग से, इधर से भी अगर आप आइएगा, जैसे आपका आना जाना इधर से है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम इधर से घूम के ना जाएँ तो इधर ही चले जाएँ, तो आप इधर से भी जा सकते हैं। चलिए चलते हैं इधर से, आपको दिखाते हैं इधर से आवागमन है, और रेलवे स्टेशन का भी अपडेट आपको देंगे। देखिए कितना अच्छा अच्छा मतलब डिज़ाइन बना हुआ है इस वॉल पे, और रोड भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और आज तो अयोध्या में दोस्तों पानी बरसा था। और डेट एंड टाइम की बात करते हैं तो दोस्तों आज है 3 मार्च और 11:31 हो रहा है अभी मौके पे। लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर रहेंगे, इधर सब जो है पूरा सब रेलवे का ही क्षेत्र है। यहाँ पे एक मंदिर है, संकट मोचन हनुमान। देखिए ये सब पुराने टाइम का ही सब पड़ा हुआ है ऐसे। अब यहाँ पे रुकते हैं तो आपको चीजों को दिखाते हैं। अभी देखिए हम पीछे वाले रास्ते से आ चुके हैं इस साइड की ओर, तो कुछ ऐसा मतलब आपको देखने को मिलेगा। अब आप इस सीढ़ियों के द्वारा जो है जा सकते हैं उधर से होते हुए प्लेटफॉर्म नंबर एक के साइड, और इधर की सारी चीज़ें देख सकते हैं क्या चीज़ अभी कैसे है। ये कुछ ऐसा महिला कक्ष बना हुआ है, और ये बरगद का काफ़ी अच्छा पेड़। देखिए कुछ निर्माण कार्य वहाँ पे चल रहा है, जैसा कि हमने पिछली बार इसका अपडेट दिया हुआ था, तो पता चला कि वहाँ पे टिकट काउंटर वगैरह है ताकि लोग इधर से भी आएँ तो इधर से टिकट खरीद के जा सके इस साइड की ओर। जैसे ये देखिए जा रहे हैं लोग ऊपर के साइड। काफ़ी पुराना ये सारी चीज़ें हैं। देखिए ऐसा कुछ इधर का है ये पूरा, मुझे लगा पहले आज आपको इधर से दिखाते हैं। वहाँ पे दूर मुदहा रेलवे क्रॉसिंग दिखती है, आइए चलें इधर थोड़ा सा। तो दोस्तों इस स्टेशन के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे, अयोध्या कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन की। जंक्शन इसको इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि एक लाइन यहाँ से सुल्तानपुर के लिए भी चली जाती है, इधर से मतलब सुल्तानपुर के लिए कटी हुई है। और इधर के साइड अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे, मतलब इधर के साइड जो है बनारस अकबरपुर ये सारी चीज़ें पड़ती हैं, और इधर के साइड लखनऊ की ओर और सुल्तानपुर की ओर भी। काफ़ी भारी भरकम इंजन एकदम बंद पड़ा हुआ है। ये देखिए लास्ट ये वाली पटरी है, और कुछ ऐसा यहाँ पर देखिए ये पीछे के साइड जो है टिकट काउंटर वगैरह, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था ऐसा कुछ यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है। दिखाते हैं कितना हो चुका है आपको, काफी मतलब इधर पुरानी पुरानी चीजें हैं।
देखिए ऐसा कुछ ये बना हुआ है इस साइड की ओर। अब ये लास्ट पटरी इधर, काफी बड़ा स्पेस, मतलब इधर जो है कह सकते हैं कि सीमेंट वगैरह जो है अधिकतर आता है, उतरता है और शहरों में जो है सप्लाई होता है। ये देखिए ऐसा कुछ बना हुआ है। अभी ऊपर और भी ज्यादा इसको बढ़ाया जाएगा तो सारी चीजें जो है, पीछे से भी कोई आएगा तो इधर से भी मतलब टिकट वगैरह मिल सकेगा। आइए दोस्तों चलते हैं, आपको थोड़ा सा ऊपर से दिखाते हैं। देखिए यहां से आप देखिए, आप आइए चलते हैं छत पे। अब यहाँ पे सीढ़ी बनना देखिए बाकी है तो भी हम चढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ से आपको चीजों को दिखाते हैं, कुछ चीजों को देखिए। काफी दूर दूर तक यहाँ से दिख नजर आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए वो बहू बेगम का मकबरा दिख रहा है उधर के साइड। ये देखिए पूरा जितना येलो कलर का दिख रहा है सब पूरा रेलवे का एरिया है। चलिए चला जाए नीचे, देखिए कितनी मोटी मोटी सरिया है, तो काफी मजबूती से बनाया जा रहा है। चलिए चला जाए नीचे। आइए दोस्तों चला जाए इधर से ऊपर के साइड सीढ़ियों से, आपको दिखाते हैं। देखिए इधर लाइट्स वगैरह सब लगी हुई है, रात में अगर आप आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमेशा एनी टाइम आपको लाइट्स वगैरह यहाँ पे मिलेगी। और आगे वहाँ पे एक कैमरा सीसीटीवी, जिससे कि जो खुराफाती लोग हैं उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए। इसको थोड़ा सा और जाली लगाना चाहिए ताकि छोटे बच्चे जो हैं उधर के साइड ना जा पाए। देखिए अभी पानी बरसा था तो जिसके वजह से ऊपर सब पानी आ गया है। आइए यहाँ पे एक चीज दर्शाया गया, ये वाला जितना पोर्शन बना ये नया बना हुआ है, नहीं तो पहले जो था सिर्फ वहीं तक हुआ करता था। देखिए प्लेटफॉर्म 1 2 3 4 5 की ओर, मतलब 5 प्लेटफॉर्म है यार, मुझे तो लगता था कि सिर्फ 4 या 3 है। देखिए ये भी काफी साफ सुथरा है। अब देखिए यहाँ से उतरेंगे तो ये 4-5 है और इधर से फिर ये सामने, अगर जैसे कोई दिव्यांग जन लोग हैं तो लिफ्ट से जा सकते हैं। अब देखिए आगे इधर 3 और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, 1 नंबर उधर है। ये देखिए वहां पे दूर मेन प्लेटफॉर्म दिख रहा है। देखिए वहाँ पे जहाँ पे वो बड़ा सा हमारा तिरंगा लहरा रहा है तो पीछे के देख, ठीक उसके इधर मेन स्टेशन है। अब देखिए इधर थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये देखिए सामने वो चीज, देखिए वो वाला जो अंडरपास बना है, ऊपर से अंडरपास नहीं मतलब ऊपर से फुटओवर ब्रिज, वो नया बना हुआ है वहां पे दूर। देख इतनी अच्छी अच्छी वॉल पे डिजाइन भी बनाई गई है। तो यहाँ पे भी मतलब वो था कि यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा मतलब रेलवे स्टेशन बनेगा, बट वहां पे जो है
उतने ही छोटे में बन रहा है। आप देखिए कब तक स्टार्ट होता है, बिल्कुल जैसा राम मंदिर की तर्ज पे अयोध्या धाम जंक्शन का बना हुआ है रेलवे स्टेशन, बिल्कुल ही वैसे ही। एक्सीलेटर तो अभी बंद है, आइए हम सीढ़ी से चलते हैं। यहाँ पे इस साइड की ओर एक अप एंड डाउन मतलब लगा हुआ है एक्सीलेटर, देखिए। आप देखिए आगे हम प्लेटफॉर्म नंबर एक पे, ये देखिए ऊपर चढ़ने वाला स्टार्ट है। और डिजाइन ही देखिए आप वॉल पे कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन बनाई गई है। आइए चलें थोड़ा सा आगे इधर से, प्लेटफॉर्म नंबर एक, उधर वो दो, उधर तीन, तो कुछ ऐसा ये है अयोध्या कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। आइए चलेंगे थोड़ा हम आगे तक, वहां तक सीधे तक आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों आप साफ सफाई भी देखिए कितना अच्छा ये पोछा वगैरह लगा हुआ है। इस समय जो है रेलवे स्टेशन वगैरह में काफी ज्यादा साफ सफाई। ये प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है लखनऊ मंडल की ओर से। अब ये सारी सुविधाएं भी देखिए अभी स्टेशनों पे मिलने लगी हैं, तो काफ़ी अच्छा मतलब अब चीज़ें हो गई है अयोध्या में, पूरी की पूरी हर चीज़ की सुविधाएं दी जा रही हैं। वहाँ पे देखिए एंट्रेंस पे अब लगा हुआ है चेकिंग पॉइंट, मतलब अगर आप आएंगे तो आप स्कैन हो जाएंगे, स्कैनिंग मशीन उसको बोलेंगे, चेकिंग पॉइंट नहीं। और यहाँ से एक बना हुआ है, ऐसे आप नीचे से जाएंगे होते हुए अंडरग्राउंड, फिर उधर निकलेंगे उस पॉइंट पे। ये ऐसा मैंने पहला यहाँ पे देखा है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पे। ये देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, ऐसा कुछ। और यहाँ पे देखिए जो है दोस्तों वहाँ पे दर्शाया गया है कि यहाँ पर सुल्तानपुर प्रतापगढ़ प्रयागराज और बीच के स्टेशन की गाड़ी बदल सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए रस्सियों से बांधा गया था। काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि मेन स्टेशन के तौर पे यही यूज़ होता था पहले। अब तो खैर अयोध्या धाम सब लोग देख ही रहे हैं कितना ज़बरदस्त कितना अच्छा बन चुका है। यहाँ पे देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे, और ऐसा कुछ ये चार्जिंग पॉइंट्स ढेर सारे। वहाँ पे देखिए बोर्ड लगा हुआ है अयोध्या कैंट। अब यहाँ से ये बाहर के लिए निकासी एग्जिट पॉइंट। अब वहाँ पे दूर जो है उधर रेलवे क्रॉसिंग आप देख सकते हैं, वहाँ पे दूर गाड़ियाँ निकलती हैं। आइए यहाँ से चलें बाहर, बाहर की चीज़ें आपको थोड़ा सा दिखाते हैं इस साइड की ओर, ऐसा कुछ निकलते हुए आपको दिखेगा। देखिए ये स्कैनर मशीन, देखिए बाहर निकलते हैं, कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, एकदम बिल्कुल पुराने ज़माने का ये सब कुछ बना हुआ है और काफ़ी अच्छा पहले से पेंट वगैरह हो चुका है। अभी जो है गाड़ियाँ वगैरह आप देख सकते हैं, वहाँ पे दूर जो है बैरिगेट्स देख सकते हैं, उसी के उधर ही रोक दिया गया है गाड़ियाँ। अंदर अब जो है बहुत ही कम जो VVIPs जैसे आते हैं उनको लेने के लिए, वही गाड़ियाँ आके खड़ी हुई, और वहाँ पे बैरिगेट्स लगा हुआ है। अगर आप मुदहा की तरफ से आएंगे, मुदहा रेलवे क्रॉसिंग की तरफ, तो गाड़ी आप उधर ही रोक सकते हैं। देखिए ये झंडा अभी जो हमने आपको दूर से दिखाया था, और अब आपको दिखाते हैं पूरे इस स्टेशन का व्यू। बड़ा सा बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है पार्किंग निषेध का, तो ऐसा कुछ है। वहाँ पे टिकट काउंटर वगैरह है उस पॉइंट पे, थोड़ा सा उधर चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो काफ़ी खाली खाली लग रहा है, नहीं पहले इतनी ज़्यादा यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती थी क्या बताया जाए। देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं एक चीज़ और, अभी आप देखेंगे तो कहेंगे ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो जाए। यहाँ पे ये सामने देखिए रेलवे स्टेशन परिसर में ये वाली मस्जिद यहाँ पे, और ठीक इसके ये बगल में देखिए ये है टिकट काउंटर यहाँ पे,
फिर इसके बाद इधर से हम जाएंगे तो ठीक वहीं पे निकलेंगे स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म नंबर एक पे, जहाँ से वो अंडर पास बना हुआ था बिल्कुल वहाँ पे। तो ऐसा कुछ दोस्तों, ये मौके का बिल्कुल अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का अपडेट है। हालांकि इसको और भी ज़्यादा रिडेवलप्ड की अभी ज़रूरत है, जल्दी से बन जाए जैसा कि सारी चीज़ें बन रही हैं। तो दोस्तों ये था अयोध्या कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन का एक थोड़ा सा अपडेट, मतलब किस प्रकार से ये रेलवे स्टेशन अभी मौके पर निर्माण कार्य इसका हुआ है। हालांकि इसको अभी निर्माण कार्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर इस स्टेशन के बारे में एक चीज़ और बताना चाहते हैं, अगर आप राम मंदिर आते हैं तो अगर आप यहाँ पे उतरेंगे तो आपको थोड़ी सी दूरी तय करनी पड़ेगी राम मंदिर अयोध्या दर्शन हेतु घूमने के लिए, और आप अगर अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो आप बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पे राम मंदिर है। यहाँ से जैसा कि हमने बताया कि आप अगर अयोध्या धाम के साइड जाएंगे, मतलब यहाँ से कह सकते हैं 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर वो पड़ता है बाई ट्रैक, रेलवे ट्रैक के, और अगर बाई रोड जाएंगे तो वो थोड़ा सा 6-7 किलोमीटर पड़ेगा। तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है। फिर मिलते हैं आपको दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, किसी और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, ध्यान रखिएगा अपना।